माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 6 फरवरी 2024 को यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल विधानसभा में पेश किया। विधानसभा से पास होने के बाद इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। इसके कानून बनने से उत्तराखंड में क्या बदल जाएगा, इसे लेकर बात करेंगे इस वीडियो में। सीएम धामी ने इस बिल को पेश करते हुए कहा कि बिल में सभी धर्मों और सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। देश की आज़ादी के बाद से यूसीसी पर ड्राफ्ट लाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। बिल पेश करने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जिस पल का लंबे समय से इंतजार था वो पल आ गया है। न केवल प्रदेश की 125 करोड़ जनता बल्कि पूरे देश की नज़रें उत्तराखंड की ओर लगी हुई हैं। उनके मुताबिक ये कानून महिला उत्थान को मजबूत करने का कदम है, जिसमें हर समुदाय, हर वर्ग, हर धर्म के बारे में विचार किया गया है। उत्तराखंड में यूसीसी की एक्सपर्ट कमेटी ने जो बिल तैयार किया है उसमें लगभग 400 सेक्शन हैं। इस ड्राफ्ट में प्रदेश भर से ऑनलाइन और ऑफलाइन 2.31 लाख सुझावों को शामिल किया गया है। इस बिल को यूनिफॉर्म के बजाय कॉमन सिविल कोड का नाम दिया गया है। इस बिल के पेश होते ही विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बिल को लेकर कहा है कि सीएम धामी बीजेपी नेताओं को खुश करने के लिए ये बिल लेकर आए हैं। रावत ने कहा, कांग्रेस समेत विपक्ष को बिल की कॉपी ही नहीं दी गई है। बिल की कॉपी ना होने की स्थिति में इस पर चर्चा करना संभव नहीं है। वहीं AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने बिल को मुसलमानों के खिलाफ साजिश बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि नए बिल के जरिए मुसलमानों को उनके मजहब से दूर करने की साजिश की जा रही है। ओवैसी ने कहा, जब जनजातियों को इस बिल से बाहर रखा गया है तब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे हो सकता है। यूसीसी ड्राफ्ट में शादी को लेकर सुझाव, सभी धर्म और जातियों में लड़की के विवाह की उम्र 18 वर्ष होगी, बहुविवाह प्रथा पर रोक लगेगी, विवाह का रजिस्ट्रेशन लोकल बॉडी में कराना अनिवार्य होगा, कोर्ट के अलावा हर प्रकार के तलाक पर रोक रहेगी, पुनर्विवाह के लिए किसी भी प्रकार की शर्त पर रोक रहेगी जैसे हलाला इद्दत। वर्जित विवाह परिभाषित किए गए हैं, यानी सगे और चचेरे ममेरे भाई बहन से विवाह वर्जित होगा, लेकिन अगर किसी धर्म में पहले से ही इसका रिवाज और मान्यता है तो उन्हें ऐसे विवाह की इजाज़त होगी। मुस्लिम महिलाओं को भी गोद लेने का अधिकार होगा और गोद लेने की प्रक्रिया सरल होगी। पति और पत्नी दोनों को तलाक की प्रक्रियाओं तक समान पहुंच प्राप्त होगी। लिव इन रिलेशनशिप के लिए नियम भी दिए गए हैं। लिव इन रिलेशनशिप में रहने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। रजिस्ट्रेशन के टर्मिनेशन का भी रजिस्ट्रेशन होगा। लिव इन रिलेशनशिप के दौरान अगर कोई संतान पैदा होती है तो उसके हितों का संरक्षण करना होगा और उसे माता पिता का नाम भी देना होगा। नए कानून के मुताबिक सभी को अडॉप्शन का अधिकार मिलेगा। साथ ही किसी बच्चे के अनाथ होने की स्थिति में गार्जियनशिप की प्रक्रिया आसान बनाई जाएगी। नए कानून में कहा गया है कि अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है और उसके माता पिता का कोई सहारा ना हो तो उनके भरण पोषण का दायित्व पति पर होगा। नए कानून के ड्राफ्ट में ये भी कहा गया है कि माता पिता की संपत्ति में पुत्र और पुत्री को समान अधिकार होगा। आपको बता दें कि राज्य की जनजातियों पर कॉमन सिविल कोड लागू नहीं होगा, मतलब उत्तराखंड में निवास करने वाली कोई भी जनजाति इस कानून से मुक्त रहेगी। जनजाति समुदाय की राज्य में 5 प्रकार की जनजातियां हैं, जिनमें थारू, बोक्सा, राजी, भोटिया और जौनसारी समुदाय शामिल हैं। आपके लिए ये जानकारी जुटाई थी मेरे साथी दीपेंद्र गांधी ने। मेरा नाम उपासना है और अब बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।